हम आपको दिखाने लेकर चल रहे हैं ख्वाजा गरीब नमाज की छठी, बड़े ही धूमधाम से मनाई गई भिवंडी शहर के पटेल कंपाउंड में, जहां पर लोगों ने मिलकर के 51 डेक का प्रसाद बनाया और सभी लोगों में उसे वितरित किया। हम आपको लेकर चलते हैं वहां का दृश्य दर्शाने के लिए, जिस तरीके से धूमधाम से ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मनाई गई। यह देखकर लोगों ने यह स्पष्ट किया कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने मेहनत किया, वह सचमुच ऐसा दृश्य देख के एक रंग लाई है। वहां पर आए आरपीआई से भिवंडी शहर के अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ ने भी वहां पहुंचकर अपना दस्तखत दिया और वहां पर लोगों की प्रशंसा की, खास करके जिन लोगों ने शहाबुद्दीन शेख के साथ में जिन लोगों ने यह पूरा प्रोग्राम का प्रोग्राम रखा, सबकी महेंद्र गायकवाड़ ने सराहना की और खास करके यह स्पष्ट किया कि ऐसे कार्यक्रम ही समाज में कुछ अपना अस्तित्व रखते हैं, जो समाज को कुछ दिया जाता है। वहां के लोगों की उन्होंने प्रशंसा की। लेकर चलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की छठी, जब पटेल कंपाउंड मनाई जा रही थी, तो वहां का दृश्य दर्शाने के लिए। न्योता किसको दिया नहीं है, लोग को मालूम है हर साल होता ही है, ढूंढे लोग आते हैं। अगर 20 साल से मैं भी आता हूँ यहाँ पे, अच्छी तरह बन गया। पहले 10 से शुरुआत हुआ था, 10 से लेके फिर 30, फिर 50, फिर 101, आज 151 गया। बहुत बड़ी बात है, उसमें तरकीब हो रही है। ये जो हमारा वार्ड था, अभी भी हमारा ही वार्ड समझो, कोई काम करे ना करे, मैं पहले बोल रहा हूँ, वार्ड अगर चेंज होगा तो कोई बात नहीं है, कोई भी काम दिक्कत होगा तो मेरे पास आने का, लेकिन आज नहीं कल मेरे पास वार्ड आने वाला है, कब भी आ सकता है। इसलिए अपन यहाँ पे जो सुविधा है बोला था, जो भी सुविधा मतलब भाई मैं फोन करो, मैं आज वो करता हूँ। यहाँ सब इतने जेस भी कमेटी के लोग हैं, यहाँ दिल लाए काम करते हैं, किसी बोलना नहीं पड़ता यहाँ पे, क्या नियाज है काम करना, ये करना है, जिसको मालूम पड़ा नियाज है, सब जुटे हुए सब काम करते हैं यहाँ पे। उसमें पूरे भिवंडी वासियों को नहीं, पूरे देश वासियों को मैं इस छठी की ओर नियाज के वजह से मैं जी एस पी कमेटी की ओर से, मुझे आरपीआई की ओर से मैं सबको संदेश दूंगा कि इस तरह यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जो है विकास नगर यहाँ का आदर्श लोग इस तरह बनाओ। जस्ने ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेरल है बाबा है, उनके लिए हिंदू मुस्लिम हरी हर जाति जमाती के लोग वो बाबा को मानते हैं, बाबा जो उनका भरोसा है सत्ता उनकी, इसके लिए ये प्रोग्राम यहाँ किया था, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एकता बना रहे और ये देश को संदेश देना चाहते हैं कि जो देश में चल रहा है जातिवाद, ये जातिवाद नहीं होना चाहिए, हर हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर आपस में रहना चाहिए। इधर तमाम धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, भोजन करते हैं, यहाँ पे भंडार लग रहता है, यहाँ पे जेवन करने की सुविधा सब की जाती है। इसके लिए टोटल जाति जमाती सब एक साथ में रहते हैं और जो जय भीम के लोग, दलित मुस्लिम मराठा पद्मनी समाज के लोग, हर समाज के लोग हमारे साथ में इस प्रोग्राम में और हमेशा रहते हैं और तमाम लोग से ये आशा करते हैं देश में जो चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हर भाई अपन एक है, भारत के हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि अपन एक साथ में देश को उन्नति के रास्ते पर जाना चाहिए, देश को बढ़ावा मिलना चाहिए और आपस में लोग लड़ते रहेंगे तो देश पीछे जाएगा, देश का कोई कारण नहीं इसका। इसके लिए मैं लोग से अपील करता हूँ कि जो देश में चल रहा है ऐसे बलात्कार की घटना हो रही है, बलात्कार का जो घटना हुई है उसका हम लोग निषेध करते हैं और उनको उन लोग को सजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे कमेटी अच्छा कितने टोप रखे जाते हैं भंडार, ये 151 डेक खाना है, 151 डेक हम लोग खाना बनाते हैं। टोटल हमारे जीएसटी कमेटी के नौजवान जो बच्चे हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं टोटल मिलकर इधर मेहनत कर रहे हैं, लोग का खाने का बंदोबस्त रखा गया, हर चीज का सुविधा है और अभी आने वाले हमारे जो वीआईपी गेस्ट है अभी कुछ समय में इधर आएगा।